वहीं खबर राजधानी देहरादून से है, जहां दरअसल देहरादून पुलिस ने थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से चेन लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों द्वारा बसंती देवी के गले से चेन छीनकर चेन लूटकर की घटना को अंजाम दिया था। वहीं बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए देहरादून SSP ने चार अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया। गौरतलब है कि घटना को अंजाम देने वाले जल संस्थान के लैब असिस्टेंट और सह आरोपियों के साथ सहारनपुर से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी शुभम मिश्रा और गौतम कुमार फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, साथ ही उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जाएगा। इसका जब फुटेज वगैरह है और जब CCTV फुटेज देखी गई, मोटरसाइकिल का भी हमारे द्वारा ट्रैक किया गया, तो पता ये चला कि इस घटना में जो है कुछ सहारनपुर के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। उसके उपरांत हमारी टीमों के द्वारा जो है सहारनपुर में डेरा डाला गया और जब तहकीकात की गई, पता करते करते हम लोग वहाँ पहुँचे, दो व्यक्ति जो है इस घटना में सम्मिलित होना पाया गया। एक का नाम है शुभम मिश्रा और दूसरे का है गौतम कुमार। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जो शुभम मिश्रा जो मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा की स्नैचिंग की गई थी, वो वहाँ जल संस्थान उत्तराखंड सहारनपुर वहाँ पे जो STP प्लांट है उसमें एक लैब असिस्टेंट का कार्य करता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है। और इसके द्वारा बताया गया ये गया कि जब जानकारी की गई कि मैं और मेरा दोस्त तकरीबन जो है नशे के आदि हैं, डेली शराब और वो सब चरस वगैरह जो है उसके आदि हैं, स्मैक वगैरह पीने के, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पैसे कम पड़ जाते हैं, तो उन पैसों की पूर्ति के लिए द्वारा इनके द्वारा जो है वो घटना कारित की गई। तो इसमें दोनों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो बुजुर्ग महिला के गले से जो चेन छीनी गई थी उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और साथ साथ ये भी जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा इस प्रकार की और घटनाएं तो नहीं कारित की गई।